Hello students, welcome to lecture 6 of biological classification. Last lecture में हम लोगों ने kingdom monarch की economic importance की बात की थी और हम लोगों ने cyanobacteria के बारे में study किया था. अब हम लोग इस lecture में जो है उसको और थोड़ा study करेंगे, blue green algae या cyanobacteria को. ठीक है, तो according to two kingdoms जो classification था, जो blue green algae है वो cyanophysi class में आता है या मिक्सोफाइसी क्लास के आता है एल्गी में. ठीक है, बट नाउ दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. ठीक है, तो पहले इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले इसको एल्गी समझा जाता था क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिखता था, बट बाद में इसको किंगडम मोनेरा में रखा गया क्योंकि इट इज ए यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स है. ठीक है, बैक्टीरिया के बैक्टीरिया ही है. ठीक है, और इसको जो है साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है. द नेम साइनोबैक्टीरिया वाज सजेस्टेड बाय ICNB. ठीक है, that is international code of nomenclature for bacteria in 1978. ठीक है, उसके बाद ये photosynthetic prokaryotes है. photosynthetic prokaryotes means कि आपका यहाँ पर ये bacteria जो है वो खुद से photosynthesis कर सकते हैं, खुद से अपना food बना सकते हैं. ठीक है, some eubacteria also have photosynthesis process but there is some difference in the photosynthesis of cyanobacteria and eubacteria. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग. साइनोबैक्टीरिया आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ओटोनाफ. ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया का अर्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ठीक है, और हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग या ऑक्सीजन अर्थ पे जो प्रोवाइड की है वो साइनोबैक्टीरिया ने की है. इट इज द मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. ठीक है, पहले जो अर्थ का एनवायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था, बाद में साइनोबैक्टीरिया जो है ओशियन के पानी में साइनोबैक्टीरिया डेवलप हुआ और उसने फोटोसिंथेसिस करके CO2 को उसने यूज किया और ऑक्सीजन रिलीज किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का ऑक्सीडाइजिंग हो गया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें पता है कि वी कैन यूज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम ग्लूकोज से सिर्फ 2 ही ATP बना पाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम 38 ATP बना पाते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन के आने से क्या हुआ, सिस्टम एफिशिएंट हो गया, कम खाने में ज्यादा एनर्जी निकलने लगी. जब सिस्टम एफिशिएंट हुआ तो हायर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए. ये जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है या जो भी हायर ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन के आने की वजह से ही डेवलप हुए और ऑक्सीजन के आने का जो मेन रीजन है वो है साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया का रोल जो है बहुत ज्यादा है इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, उसके बाद यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, इन द यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक. ठीक है, मींस ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया. ठीक है, यू बैक्टीरिया में अगर कुछ यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पर ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा, बट साइनोबैक्टीरिया के केस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा. ठीक है, तो एनवायरमेंट में साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन बढ़ाता है. उसके बाद पिगमेंट्स में कुछ डिफरेंस है. यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए है जो ग्रीन कलर का होगा. ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी जो है वो पर्पल कलर का होगा. कैरोटीनॉइड्स येलो कलर देंगे, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देगा और फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर देगा. ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो विरिडिन वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है. ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया हमेशा ब्लू ग्रीन कलर का ही दिखेगा, कुछ ऐसे है जो रेड कलर के भी दिखेंगे. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. इसके डिफरेंट फॉर्म्स है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर साइनोबैक्टीरिया है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें नेचर में मिलेगा. फर्स्ट है यूनिसेल्युलर. ठीक है, वो अकेला रहेगा, बाकियों के साथ कोई कॉलोनी नहीं फॉर्म करेगा, कोई फिलामेंट फॉर्म नहीं करेगा. इसका जो एग्जांपल है वो स्पाइरुलिना. इट इज एन एडिबल ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, एडिबल मीन्स इसको लोग खाते हैं. क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट. ठीक है, इट कैन बी ग्रोन आर्टिफिशियली इन वाटर टैंक्स. इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं वाटर टैंक्स में. इट इज यूज एज फॉडर फॉर कैटल. ठीक है, और इसको हम लोग जो कैटल लोग पालते हैं, गाय भैंस बकरी, उसको
खिलाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल वाटर टैंक है, उसमें थोड़ा सा स्पायरुलिना डाल देना है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट डाल देना है। ठीक है, तो उसमें स्पायरुलिना ग्रो हो जाएगा और उस स्पायरुलिना को जो है हम लोग भी खा सकते हैं और कैटल को भी खिला सकते हैं, बिकॉज इट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी, मीन्स बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया है वो आपस में जुड़कर रहेंगे, कॉलोनी बनाएंगे। इसका एग्जांपल है एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस। ठीक है, तो यूनिसेलर का एग्जांपल था स्पायरुलिना और कॉलोनियल का एग्जांपल है एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस। तो ये एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच इज कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया, विच इज यूनिसेलर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल जो है याद रखना है। उसके बाद आता है फिलामेंटस, जो बहुत सारे जुड़ के एक चेन जैसा फिलामेंट बनाते हैं। देर आर मैनी सेल्स अरेंज इन ए रो इन देयर बॉडी। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो है एक साथ अरेंज हो जाएंगे। द फिलामेंट ऑफ बीजे इज नोन एज ट्राइकोम। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइकोम। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा था उसके जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। इसके ऊपर एक स्लाइमी स्टिकी शीट होता है जो उसे प्रिवेंट करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। दिस शीट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, जिसका नाम है पेक्टिक एसिड। द सेल वॉल ऑफ बीजे इज आल्सो बाइलेयर्ड। सेल वॉल जो है वो भी बाइलेयर्ड है, मतलब दो लेयर होंगी वहां पर। आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड एंड इनर वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार नीट में आ चुका है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसका इनर लेयर किसका बना हुआ है, तो आउटर लेयर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसका सेल वॉल बाइलेयर्ड है, मींस दो लेयर है। आउटर लेयर लाइपोपॉलीसेक्राइड का बना है और इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बीजे इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स लाइक दैट ऑफ यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेल वॉल अलग चीज हो गई, उसके अंदर हमको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनता है, इसलिए यहाँ पे लाइपोप्रोटीन लिखा है। लाइपोप्रोटीन लिखा है मींस लिपिड का अमाउंट कम है और प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सबके अंदर, ऑल ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का ही मिलेगा। सिर्फ इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है, कहीं पे प्रोटीन ज्यादा होगा, कहीं पे लिपिड ज्यादा होगा, वो चेंज होगा, बट कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने सेल वॉल की बात कर ली और सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है साइनोबैक्टीरिया का या ब्लू ग्रीन एल्गी का जो साइटोप्लाज्म है, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। ये जो यहाँ पे लेबलिंग किया हमने, दिस इज पेरिफेरल, और ये जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर की तरफ जो है वो है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो बाहर वाला है पेरिफेरल या फिर क्रोमोप्लाज्म, इन दिस पार्ट गैस वैक्यूल्स एंड फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गैस वैक्यूल होंगे। गैस वैक्यूल का काम क्या है, इसको पानी के ऊपर ये तैरता रहे, डूबे ना। ठीक है, तो वो गैस वैक्यूल का काम है, उसको बायोएनर्जी प्रोवाइड करता कि वो पानी के ऊपर तैरता रहे। और फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड मतलब थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल होगा, बैक्टीरियल क्लोरोफिल होगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है सेंटर में जो है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल साइटोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोइड के पास होगा, ये दिस इज न्यूक्लियोइड, इसके आसपास होगा। राइबोसोम्स और 70S टाइप, हमको पता है बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में जो 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और वो क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में फैले होंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रीजन में नहीं होंगे, सब जगह फैले होंगे। ठीक है, राइबोसोम्स का फंक्शन हमें पता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बट एक्सेप्शनली इन बीजे टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, थाइलाकॉइड्स, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। बट ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पर दो मिलते हैं। कौन कौन से, गैस वैक्यूल जो बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है एल्गी को पानी में तैरते रहने के लिए, और दूसरा है थाइलाकॉइड। ये दोनों जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ठीक है, तो हमें याद रखना है मोनेरा में, प्रोकैरियोट्स में
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, बट ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में दो एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद गैस वैक्यूल जो है पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी मिलते हैं, ठीक है। तो इतना हमको याद रख लेना है कि जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया है उनमें गैस वैक्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और थायलाकॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। उसके बाद आता है हमारा स्टोर्ड फूड, ये खाना कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड बीटा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, कुछ छोटे छोटे जो है दाने के फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ये फूड को अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करते हैं। जो अल्फा ग्रेन्यूल है वो बने होते हैं साइनोफाइसिन स्टार्च के, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन जैसा दिखता है, जैसे हमारे बॉडी में ह्यूमंस में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, क्योंकि लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है, और जब उसे तोड़ते हैं तो उसमें से ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज सेल्स को दिया जाता है जिससे वो एटीपी बनाता है। तो साइनोफाइसिन स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजन जैसा ही है, तो जब उसे जरूरत पड़ेगी वो उसको स्टार्च को तोड़ेगा और उससे एनर्जी बनाएगा, ठीक है। बीटा ग्रेन्यूल्स में फैट ड्रॉपलेट्स होता है, तो हमारे बॉडी में जैसे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, अगर ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो यूज होने लगता है, फैट को हम लोग यूज करते हैं, तो इसके अंदर बीटा ग्रेन्यूल्स में फैट होता है, ठीक है। तो अल्फा ग्रेन्यूल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा और बीटा ग्रेन्यूल्स में फैट स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑसिलेटोरिया है वो हॉट वाटर स्ट्रिंग में भी ग्रो हो सकता है, मींस 80 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक ये ग्रो हो सकता है हाई टेम्परेचर में, ठीक है। इसके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर में टूटते नहीं है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है हाई टेम्परेचर में क्या होता है, प्रोटीन टूट जाते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। बट इसके पास कुछ होमोपोलर बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से उसके प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर में टूटते नहीं है, उसके एंजाइम काम करते रहते हैं और वो सर्वाइव कर जाता है हाई टेम्परेचर में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 जो है उसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम आयन, जिससे प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट जो है वो N2 फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद दो फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करेगा, सिम्बायोटिक फॉर्म में और फ्री लिविंग फॉर्म में। सिम्बायोटिक फॉर्म में मीन्स प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसी तरीके से राइजोबियम की तरह ही करेगा। और फ्री लिविंग मतलब कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, वो अकेले में ही नाइट्रोजन फिक्स करेगा, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको दोनों के एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, अजोला एंड अनाबीना, ठीक है। इफ अजोला इज ग्रोन विद राइस देन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 250%, ठीक है। तो राइस के खेत में अगर हम लोग अजोला इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन 50% बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस की खेती में इसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ता है और राइस ज्यादा पैदा होता है, 50% इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद एनाबीना या फिर हम लोग साइनोबैक्टीरिया की बात करें, इसमें रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, वेजिटेटिव और असेक्सुअल। वेजिटेटिव में हम लोगों ने जो पढ़ रखा है पहले, बाइनरी फिशन होगा या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। स्पाइरुलिना में बाइनरी फिशन होता है और ऑसिलेटोरिया में हमारा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, एकाइनीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था HD कुमार ने। तो इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन फर्स्ट टाइम इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये समझ गए, तो रिप्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर समझ गए कि किसमें कैसे रिप्रोडक्शन होगा, दोनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं, अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बहुत ज्यादा फेमस है फॉर वाटर ब्लूम, कि जो भी वाटर होता है स्टेगनेंट वाटर, पॉन्ड है, रिवर है, वहां पर ये बहुत एक्सेसिवली ग्रो हो जाते हैं और वाटर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एनाबीना, फ्लोसेक्यूब है, माइक्रोसिस्टिस है, ठीक है, एफ्यूजोमेनन है,
ये सारे जो है वो बहुत ज्यादा वाटर ब्लूम कॉज करते हैं, जिससे क्या होगा वो पानी जो है खराब हो जाता है, मैराइन लाइफ को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। दे ग्रो रैपिडली इन वाटर एंड सीक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंस। दीज टॉक्सिक सब्सटेंस आर नोन एज डेथ फैक्टर। डेथ फैक्टर इज द मेन कॉज ऑफ डेथ ऑफ इन एक्वेटिक एनिमल्स। इट ऑल्सो गिव टॉक्सिसिटी एंड बैड ऑर्डर टू द वाटर। ठीक है, तो उस पानी में से बदबू आने लगती है, वो सड़ने लगता है और वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तो इसके हम लोगों के कुछ फायदे भी हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, कुछ नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है कि इट कॉजेज वाटर ब्लूम। ठीक है, तो ये आपको रिटन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है वाटर ब्लूम, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जाम्पल। और वाटर ब्लूम कौन करता है उस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी के। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, प्रोटीनेशियस है तो खाने में काम आता है, एडिबल है। ठीक है, ग्रीन मैन्यूअल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये सिक्रीट करते हैं टॉक्सिन जो मॉस्किटो लार्वा को ग्रो होने से रोकता है पानी में। ठीक है, तो बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है अगर पानी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाए तो उसमें मॉस्किटो का लार्वा जो है डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूजफुल भी है। हार्मफुल क्या है कि वो वाटर ब्लूम कॉज करता है, और वाटर ब्लूम जो है हमारे वाटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, मैराइन लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डर में बात कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, उसके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, जैसे मान लो एनाबीना का जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसमें 10 सेल है, तो 10 में से 2 सेल को हेट्रोसिस्ट बना दिया जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, उनका काम होगा सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कुछ सेल्स को स्पेशलाइज्ड कर देते कि तुम भाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर लो, फोटोसिंथेसिस हम सब कर लेंगे, तुम ऐसा करो नाइट्रोजन फिक्स करो। ठीक है, तो उन सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज, और ये स्पेशल एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये एंजाइम जो है प्लांट के पास नहीं है, तो प्लांट को किसी और से नाइट्रोजन फिक्स कराना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो जीन है उसको हम बोलते हैं NIF जीन। ठीक है, और ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि ऑक्सीजन बनाने के लिए माना जाता है कि इन्होंने ऑक्सीजन अर्थ पर पहली बार रिलीज किया। उसके बाद दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल बट सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया शो ग्लाइडिंग और ऑसिलेटरी मूवमेंट। ठीक है, तो कुछ में ये ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू मूव कर सकते हैं, बट मोस्टली ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पूरा जो है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को डिस्कस कर लिया, इसमें हम लोगों ने उसका बेसिक जो है बेसिक फीचर्स जाने, रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स। ठीक है, यूनिसेलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। उसके बाद हमने उसके हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल प्रॉपर्टीज पढ़े, तो इन सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, थैंक यू।